एंड डिकोडिंग, ये रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जिससे रेलवे में आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए ओके, देखते हैं हमारा एक नया टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली होता क्या है, एबीसीडी के जो लेटर होते हैं उनसे कुछ लेटर को कोड किया जाता है, फिर उसको डिकोड किया जाता है। चलिए देखते हैं किस तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो हमें सारे अल्फाबेट याद होने चाहिए जो एबीसीडी के होते हैं, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं। और दूसरा होता है उनके अपोजिट पता होना चाहिए कि किस तरह से होता है। चलिए हम आपको लिख के बता देते हैं, जो हमारी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले तो हमें ये सारे लेटर जो है किस सीरीज में है, किस नंबर पे कौन सा आता है, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर हम इसे काउंट करेंगे तो ए किस नंबर किस पोजीशन पर है, फर्स्ट और जेड देखेंगे तो 26। यानी कि हमें पता चला ए फर्स्ट पे है, जेड 26 पे है, यानी कि कितने पेयर बनेंगे। अगर हम दो दो पेयर बनाएंगे तो इनके बनेंगे 13 पेयर, 13 पेयर बनेंगे जिसमें हम अपोजिट काउंट करेंगे। अब देखो किस तरह से अपोजिट याद होते हैं, अपोजिट का मतलब क्या होता है वो समझिए। एक अपोजिट क्या है, जेड, यानी कि ए यहां से पहला है तो यहां से पहला क्या होगा, जेड। अगर बी यहां से सेकंड पोजीशन पर है तो यहां से हम सेकंड पोजीशन देखेंगे तो बी का अपोजिट क्या होगा, वाई। अगर सी यहां से थर्ड पोजीशन पर है तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि सी का अपोजिट एक्स। तो इस तरह से हम ये अपोजिट कैसे लैंड करेंगे वो चलिए हम देखते हैं अपना अपोजिट का वीडियो। चलिए एक हम छोटी सी आपको स्टोरी बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे अपोजिट याद हो जाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए देखते हैं कि किस तरह से होगा हमारा अपोजिट। तो सबसे पहले हमें आपको अच्छी सी एक स्टोरी सुनाते हैं, वो आपको माइंड में रखनी है, इसके बाद आपको ऑटोमेटिक अपोजिट लैंड हो जाएंगे। तो स्टोरी कुछ इस तरह है, एक बॉय था, कौन था, बॉय, बॉय था, वो लव करता था, क्या करता था, लव। एक बॉय था, लव करता था, किसे करता था, जैकलीन को, एक लड़की थी जैकलीन। तो हमारी स्टोरी है, एक बॉय था वो लव करता था, किसे करता था, जैकलीन को। एक दिन उन लोगों का प्लान हुआ कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो वो लोग जीटी एक्सप्रेस से पहुंचे, मॉल के पास पहुंचे जहां हनी सिंह आया हुआ था, हनी सिंह जो कि एक पॉपुलर सिंगर रह चुके हैं अभी भी हैं। तो हनी सिंह को लोगों ने एंजॉय किया, इसके बाद उनका मन हुआ कि चलो मूवी देखते हैं। तो मूवी देखी पीके, कौन सी मूवी देखी, पीके मूवी देखी। उस वहीं पे जब मूवी देखी तो जाहिर सी बात है कुछ खाया पिया होगा, तो उन लोगों ने ड्यू पी और क्रैक्स भी खाए। वहीं पे एक उनकी फ्रेंड मिलती है, रिया, लड़की का नाम क्या है, रिया, जो उसकी फ्रेंड है। उसने कमेंट किया, उफ मैन लव बाय इस, क्या कमेंट किया, उफ मैन लव बाय इस। चलिए देखते हैं तो इस स्टोरी का हमारा कोडिंग डिकोडिंग से क्या लेना देना था, किस तरह से अपोजिट याद होंगे। तो अब ये देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला था एक बॉय था, कौन था, बॉय, एक हमारा क्या था, बॉय, यहां पे लिख देता हूं, लिखेगा बॉय, यानी कि बी का अपोजिट वाई। बी यहां से दूसरा है ए बी, ठीक है, तो लास्ट से हमारा जेड वाई दूसरा है। यदि B यहाँ से सेकंड पोजीशन पे है तो लास्ट से सेकंड पोजीशन पे क्या है, Y। तो हमें इससे पता चला कि B का अपोजिट क्या है, Y है। एक Y था वो क्या करता था, लव करता था, क्या करता था, लव करता था, L O V ऐसे ही लिखते ना, यानी कि L का अपोजिट O और B का अपोजिट E। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एक बॉय था वो लव करता था, किसे करता था, जैकलीन को, तो जे का अपोजिट क्यू। एक बॉय था लव करता था, किसे करता था, जैकलीन को करता था। एक दिन उनकी प्लान हुई कि चलो घूमने चलते, तो किस ट्रेन से गए, जीटी एक्सप्रेस से, किससे गए, जीटी एक्सप्रेस से।
कहाँ पहुंचे, एक मॉल पर पहुंचे, वहां पे उन लोगों ने देखा कि कौन आया था, एक सिंगर जिसका नाम क्या था, हनी सिंह। क्या नाम था? हनी सिंह, यानी कि एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस का अपोजिट एच, हनी सिंह आया हुआ था। तो फिर उन्होंने हनी सिंह को एंजॉय किया। इसके बाद कहाँ गए उन लोगों ने देखी मूवी, कौन सी मूवी देखी थी, पीके। कौन सी मूवी देखी उन लोगों ने, पीके, यानी कि पी का अपोजिट के का अपोजिट पी, के मूवी देखी। फिर इसके बाद उन लोगों ने कुछ खाया पिया, क्या खाया था, एक रेसिपी जिसका नाम था ड्यू, डी का WW का डी, ड्यू पी और क्रैक्स खाया, यानी कि जो टेढ़े मेढ़े कुरकुरे होते हैं क्रैक्स, वो खाया, यानी कि सी का एक्स, एक्स का सी। इसके बाद उनकी वहां पे एक फ्रेंड मिलती है उन लोगों को, फ्रेंड का नाम था रिया। क्या नाम था? रिया। आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर। फ्रेंड का नाम था रिया। उसने देखते ही कमेंट किया, क्या कमेंट किया, ओ यू का अपोजिट एफ, एफ का यू, ओ मैन, एम का एन का एन, ओ मैन लव अपन लोग लिख चुके, बाय भी लिख चुके, ओ मैन लव बाय एस, यानी कि ए का अपोजिट जेड। तो आपको ये छोटी सी स्टोरी अपने माइंड में रखनी है, आपको सारा याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से आपको याद हुआ, बस एक छोटी सी स्टोरी आपको माइंड में रखनी है और फटाफट आपको याद होने लगेगी सारे सारे अपोजिट। देखिए एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं कितने अपोजिट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 16 सारे लेटर आ चुके हैं। अब ये देखिए समझना है बस चीजों को, ऑटोमेटिक आपको अपोजिट याद हो जाएंगे, इनके हमें नंबर से याद होने चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, अभी इन लोगों के सारे हमने अपोजिट याद कर लिए। अब हम देखेंगे इनकी वैल्यू क्या होती है, यानी कि फेस वैल्यू बोलते हैं, जैसे यानी कि ए फर्स्ट नंबर पे आता है, बी सेकंड पे आता है, सी थर्ड पे आता है, इस तरह से। आई होप आपको समझ आया होगा, एक बार इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट, नेट पार्ट, नेट पार्ट होगा, इन सब के ना फेस वैल्यू याद होती है। क्या होती है? फेस वैल्यू याद होती है। अब ये देखो फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू मतलब जो जिस प्लेस पे है, जो नंबर, जो लेटर जिस प्लेस पे है उसकी वैल्यू। जैसे ए नॉर्मल याद है, एक होता है बी, ये लिखा है मैंने ए बी सी डी ई, तो एफ जी एस आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो इसको किस तरह से याद करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे इजोटी। क्या लिख लेंगे? एक वर्ड होता है इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी वर्ड। इजोटी वर्ड से हमें याद करना है कौन, 5 10 15 20 25, यानी कि ई जे ओ टी वाई। ई कितने पे आता है? 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20, वाई 25। तो हमें याद किया इजोटी वर्ड। अब इसके बाद हम बाकी के और लाइन करेंगे, देखो किस तरह से नॉर्मल एबीसीडी तक तो याद होगा, 1 2 3 4 बनाएंगे, जेड 26 याद है। अब देखो ई के बाद क्या था, एफ आता है, ये रहा हमारा एफ। अगर हम एफ को उल्टा बना दें तो इस तरह से बनेगा, इसकी तस्वीर जो बनेगी एफ, अगर हम इसको थोड़ा ऐसा बना दें तो एफ कैसा लगता, 6 जैसा, यानी कि एफ की वैल्यू 6। और पी देखो, पी तो ये भी 6 जैसा लगता है, यानी कि पी 16। तो हमें पता चला एफ हमारा 6 होता है और पी 16। एफ हो गया, एफ के बाद क्या था, जी। क्या था हमारा? जी। अब ये देखो जी को अगर हम इतना छुपा दें तो कितना लिखा, 7 लिखा है ना, तो यानी कि जी की वैल्यू कितनी है, 7। और ये देखो एक क्यू लिखते हैं, क्यू में ऑटोमेटिक 7 छुपा हुआ होता है, यानी क्यू की वैल्यू 17। एफ का फिर क्या, 6 हुआ, पी, पी से 16 बना, जी 7 होता है, क्यू 17 होता है। जी के बाद क्या था हमारा, एच। एच आता है, एच देखो एच ऑटोमेटिक डिजिटल 8 जैसा लगता है, यानी 8। एच की वैल्यू कितनी होगी, 8। और देखो एक और होता है हमारा आर, आर भी तो 8 जैसा होता है, तो आर की वैल्यू 18। एच 8 है तो आर कितना हो गया, 18। आर कितना हो गया,
18। अब ये देखो एच 8 हो गया, आर 18। अब इसके बाद क्या होता है, आई आई दूसरे प्रकार में ऐसे लिखी जाती है, तो आई इक्वल टू कितना हो गया 9। आई इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। आई 9 जैसा मतलब है ये एच होता है, एच भी 9 जैसा मतलब, तो एच कितना हो जाएगा 19। आई 9 है तो एच कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। आई के बाद क्या आता है, जे, जे याद है 10। अब ये देखो के में दो डंडे तो 11, एक पे 11, दो डंडे तो एक पे 11। L 12 कैसे बोलेंगे, L 12, L 12 यानी कि L की पोजीशन क्या होगी 12। एक वर्ड होता है C N W यानी कि 3 13 23, 3 13 23, 3 13 23, C M W यानी कि C की वैल्यू 3, M 13, W 23। क्योंकि देखो M में भी 3 छुपा हुआ है और W में भी अगर हम इस तरह से घुमाएंगे तो ये भी 3 छुपा हुआ है, तो 3 13 23 ये हो गया। M N M दे रहा है तो N कितना हो जाएगा, N 14 याद कर लेना, 14 N 14 हो जाएगा, N 14 हो गया, N 14 है, O 15 में याद है, P P अभी हम याद कर चुके, 16 होता है, Q 17 होता है, R 18 होता है, S 19 होता है, T20 है, तो U कितना हो जाएगा 21, T के जस्ट बाद ही तो U आता है, T20 हुआ, U 21। और एक होता है V, इस तरह से बनता है 2 पे 2 22 यानी कि विक्ट्री, विक्ट्री जो होता है यानी कि 2 पे 2 22 V 22 हुआ, TUV W 23, XYZ नॉर्मल याद आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कंसेप्ट था। क्वेश्चन कैसे बनेंगे आगे वो हम अभी आपको अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, चैनल यदि आपको पसंद आ रहा है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।